मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। ये मैं तैयारी कर रही हूँ सुबह जाने की, सुबह सुबह उठ के, क्योंकि रात को मेरा मूड नहीं था। तो मैं अपना बैग पैक, पूरा बैग पैक बच्चों की तरह लेके जाती हूँ, क्योंकि मैं बहुत कुछ सामान डालना होता है इसके अंदर, और छोटे फैंसी बैग्स में वो सब कुछ पूरा नहीं आता। ये लॉग बुक होती है, एक रजिस्टर फॉर टेकिंग नोट्स, एक बुक चली गई ऑप्स की, साथ में सैनिटाइज़र रखना होता है, ठीक है। फिर हो गया ये चीनी, मैंने एक बोतल में डाल के रखी हुई है क्योंकि मेरी शुगर लो हो जाती है कभी कभी। फिर ये आ गया मेरा लैब कोट कैप, क्योंकि पैदल आना जाना होता है स्टेशन तक, तो धूप से बचने के लिए कैप। एक सोप, लिक्विड सोप रखा हुआ है, ताकि अगर किसी पेशेंट को लगाऊं हाथ या कुछ करूं तो फौरन हाथ धो लूं, या सैनिटाइज़र से मेरी तसल्ली नहीं होती। उसके बाद ये पर्पल वाला मेरा गई है स्क्रब, क्योंकि ओटी डे होगा तो मुझे ज़रूरत पड़ेगी पहनने की, चेंज करना होता है वहाँ पे। उसके बाद गया पावर बैंक और देन पेन ओबियसली, वरना फिर मांगते रहे पूरा दिन। और ये मेरा बैग हो गया पैक, ऑल डन। सुबह ही तैयार करती हूँ, क्योंकि सुबह के हिसाब से जो भी दिन होता है उस हिसाब से मैं अपना बैग पैक कर लेती होती हूँ। और फिर अब मैं अपनी एसेसरीज यूज़ करने लग गई हूँ, सो आई एम, या दिस इज़ माई मिनी किट जो कि मैंने रखी हुई है, कि सुबह कोई चीज़ मैच कर रही हो उससे तो मैं जल्दी से पहन लूँ और थोड़ी प्रेजेंटेबल बन जाऊँ। अब है कि बस ऑन टाइम में जल्दी से पहुंच जाऊं, और उसके बाद आई हैव टू हंट कि भाई गाइनी वार्ड में कहाँ जाना है, क्योंकि पहला दिन है और मोस्ट प्रोबेबली कोई भी नहीं आया होगा। पहले दिन सब लेज़ी हुए होते हैं और कहते हैं अच्छा चलो कोई नहीं, न्यू रोटेशन है तो थोड़ा आराम से चले जाएंगे, बाद में चले जाएंगे या लेट चले जाएंगे, कुछ भी होता है। और जैसे कि मैं बताया हुआ है कि मेरे बैच में ज़्यादा लड़के हैं, तो वो गाइनी से सब भागते हैं, दूर भागते हैं, जैसे कोई पता नहीं क्या है, दे लाइक नो बडी लाइक्स गाइनी। तो गर्ल्स को फिर थोड़ा इंटरेस्ट है, तो इसलिए सब काम हमें खुद ही करना पड़ता है। और ये देखते देखते मैंने इंजेक्शन के ऊपर पाँव दे दिया, और सॉरी फॉर द शोर, क्योंकि गाइनी वार्ड में हर तरफ शोर शोर ही होता है, क्योंकि यू हैव टू क्रिएट पैनिक और लाइक इमरजेंसी, क्योंकि बहुत सारे काम आपको अर्जेंट बेसिस पे कराने पड़ते हैं, इसलिए वहाँ हर वक्त शोर होता है। देन आई वेंट टू सी सेक्शन, ठीक है, जिसमें हेयर एन एनेस्थीजियोलॉजिस्ट इज़ गिविंग स्पाइनल एनेस्थीजिया, ठीक है, उर्दू में इसको क्या कहेंगे, कमर से नीचे वाले हिस्से को सुन करने के लिए इंजेक्शन दे रहे हैं कमर में। तो ये प्रोसीजर होता है कि पेशेंट को बिठा के कमर उसकी बिल्कुल आगे की तरफ, टांगों की तरफ झुका के, तो फिर ये इंजेक्ट किया जाता है इन स्पाइनल कॉर्ड, जिसको कहते हैं उर्दू में स्पाइनल कॉर्ड को क्या कहते हैं, ओ माई गॉड माई मेमरी, कोई बात नहीं अभी याद आ जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है। फिर ये क्या कहते हैं, और आप देख सकते हैं हम लोगों ने कैसे शू कवर पहने हुए हैं, स्क्रब पहने हुए हैं, मास्क पहना हुआ है। सो जो ऑब्जर्वर होते हैं उन पे कंपल्शन होती है कि उन्होंने, दे हैव टू फॉलो ऑल द एसेप्टिक मेजर्स, ठीक है, क्योंकि ओटी है, उसकी एक बाउंड्रीज होती हैं, आप कोई लोकल बंदा उसको क्रॉस करके नहीं जा सकता, क्योंकि हमें एक प्रोटोकॉल है जो मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि पेशेंट्स की सेफ्टी के लिए, उनको इन्फेक्शन से बचाने के लिए सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। ओके, वैसे तो एनेस्थीजिया देना एज ही स्पेशलिस्ट तो उनके लिए इतना मुश्किल नहीं होता, इतनी प्रैक्टिस हो गई थी कि एक ही टैप में स्पाइनल फ्लूड बाहर आ जाता था और आप आराम से एनेस्थीजिया इंजेक्ट कर सकते हो। लेकिन सिंस द पेशेंट, क्योंकि ये पेशेंट काफ़ी ओवरवेट थी, ओबीस थी, तो
तो इनमें थोड़ा मुश्किल हो रहा था क्योंकि थोड़ी वो खुद भी टेंस हुई हुई थी और उनका स्पाइनल फ्लूड भी ड्रेन नहीं हो रहा था, तो थोड़ा टाइम लगा था उनको एनेस्थीजिया देने में। लेकिन जैसे ही एनेस्थीजिया गया उसके विद इन 1 or 2 minutes हम प्रोसीड कर देते हैं फॉर ऑपरेटिंग। ओके अब हम प्रेशर प्रेप कर रहे हैं। ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हमें चाहिए होते हैं, ये फॉरन हम सेट कर लेते हैं। जैसे ये सक्शन हो गया, क्वार्टरी इलेक्ट्रोड हो गया, ये सारी क्या कहते हैं इसको, ब्लेड्स हैं और ये सब कुछ ठीक है। पैसे पेशेंट को अच्छी तरह उसके ये एरिया को आप आयोडीन लगा के क्लियर करते हैं और उसके बाद इंसीजन देते हैं, ठीक है। और वो पोर्शन मैंने इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि अक्सर लोगों को खून से मसला होता है, खून नहीं देखा जाता लोगों को से, और वीडियो पे भी वो कहते हैं कम्युनिटी फ्रेंडली नहीं है, तो आप ना पोस्ट करें, ठीक है। ओ हाँ, और याद आया कि ये जो पेशेंट थी ना, इसकी इमरजेंसी सी सेक्शन हो रहा था क्योंकि शायद किसी रोड बाइक पे ना एक्सीडेंट या किसी वजह से गिरने की वजह से जो बच्चे का जो अव्वल होता है ना, प्लेसेंटा जो होता है, ठीक है, वो उसके बच्चेदानी से अलग हो गया था, ठीक है। तो थोड़ी सी ब्लीडिंग हुई थी ये वो, तो उसमें हमें ना फ़ौरन से सी सेक्शन करना होता है, इसको कहते हैं प्लेसेंटल अब्रप्शन, ठीक है। तो इसलिए भी के केस ज़रा थोड़ा सेंसिटिव सा था और क्रिटिकल था क्योंकि हमें मदर को भी रिस्क होता है और बेबी को भी रिस्क होता है। मदर ओबीस थी तो उसको और रिस्क है कि ब्लीडिंग होगी, क्लॉटिंग हो सकती है, बहुत सारे रिस्क पड़ जाते हैं। एंड हेयर कम्स आवर चीफ गेस्ट, जिसके लिए ये सारा स्ट्रगल हो रहा था। ओटी से बाहर आने के बाद ये शो कवर्स उतार दिए क्योंकि ओटी में अगर हमने ऑपरेशन थिएटर में किसी तरह का भी ऑपरेशन थिएटर उधर जाना होता है तो यू हैव टू वेयर दीज शो कवर्स और हेड कवर, ठीक है, मास्क भी पहनना होता है तो, और उसको फिर आपने प्रॉपरली डिस्पोज भी करना होता है। तो ये ये एक इंस्ट्रूमेंट था जिसको हम लगाने की प्रैक्टिस कर रहे थे ये, और ये अक्सर उन डिलीवरीज में यूज़ होता है जो कि ना फंस जाती हैं, यानी कि ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती हैं, बच्चा बाहर नहीं आ रहा होता, कोई भी रीज़न हो सकती है। एंड देन हियर कम्स आवर टी, हमने लड़कों को कहाँ पे लगा दिया कि ज़रा कुछ सीखें, इन्हीं का ही फ़ायदा होगा बाद में, सही है ना। सिंस नो सन ब्लॉक वर्क फॉर मी, तो मेरा ओनली रेस्क्यू फ्रॉम धूप ये कैप है और मेरा लैब कोट है जो कि मैं ऊपर बाजू पर डाल देती हूँ। आज का दिन इतना हेक्टिक था और ऊपर से अब चलो हवा चल गई है, लेकिन ना अल्लाह फिर 5 दफ़ा मूड होया मैंने। सी सेक्शन देखे, एक स्ट्रैक्टमी देखी, बल्कि 2 सी सेक्शन देखे और फिर पड़ा, और ये स्क्रब का कपड़ा मोटा होता है, गर्मी बड़ी बुरी हाल। तो अब फाइनली गोइंग टू होम, बस हो गई आज की। और सिंस आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ट्रैवल करना होता है सो यू हैव टू जस्ट चेंज योर एवरीथिंग, ये दुपट्टा था वही लेके बाहर निकल आई हूँ। हर बंदा ऐसे बुरा होता है, जैसे क्या मैं कहूँगा, आने में अभी भी 3 मिनट हैं और कुछ
अल्लाह शुक्र है हवा चल गई है, थोड़ा सुकून आया है। वो देखिए किसी तरह बस मेरा नाम छुप गए। 5 मिनट से कम का रास्ता, लेकिन इनको जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है इफ़ यू आर ट्रेवलिंग अलोन। और आई जस्ट हेट पीपल स्टेयरिंग, लाइक क्या भाई और भी काम नहीं आपको दुनिया में। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई गायनी रोटेशन वीक, गायनी की रोटेशन का वीक वन। और मतलब यही रूटीन चलती रही थी, बाकी अपडेट्स मैं आप लोगों को देती रहूँगी। टिल देन बाय।